तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेके आया, उसका नाम है अस्थाकाइंड सिरप। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर ले, क्योंकि मेरा हर रोज एक नया वीडियो आता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जो कि सभी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है। और वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिना कुछ छूटे हुए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह दोस्तों अस्थाकाइंड सिरप है जो कि लाइफ स्टार कंपनी का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो लगा हुआ है। और यह दोस्तों आपका जो है कि 100 ml के पैक में आता है, जो कि प्लास्टिक का बॉटल है। और इसकी MRP है 70 rupees, यानी कि 70 rupees, ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। या दोस्तों काम किन किन चीज़ों में करता है वो हम लोग बात करते हैं। तो या दोस्तों खांसी में काम करता है, सर्दी में काम करता है, या तो आपको बलगम वाली खांसी हो चुकी है तो उसमें काम करेगा, या तो सूखी खांसी है उसमें काम करेगा, या तो सीने का जकड़न जो होता है उसमें काम करेगा। उसके बाद दोस्तों जुकाम में काम करेगा, या तो कफ वाली खांसी हो चुका है तो उसमें काम करेगा। उसके बाद गले का खड़ास, या तो गले में बहुत ज़्यादा आपको घड़घड़ाहट हो चुकी है तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या तो गले में खुजली हो चुकी है उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या तो दोस्तों दम फूल रहा है आपको तो उसमें भी मदद करेगा, पजरा मार रहा है जिसको खाला भी बोला जाता है उस तरह की अगर समस्या है उसमें भी ले सकते हैं, या तो नाकों से पानी आ रही है उसमें ले सकते हैं, या तो सांस लेने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है वो पजरा की वजह से कभी कभी होता है, जो दम फूलता है तो सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इनका फ़ायदा है, किन किन चीज़ों में फ़ायदा करते हैं हम लोग बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं इसका डोजेस की। तो यह दोस्तों इसको लेना है 10 ml 3 times, सुबह दोपहर रात, यानी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात इसे ले सकते हैं। और इसको दोस्तों जब भी लेंगे तो आप लोग ध्यान से लेने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेंगे, और जो भी लेंगे वो बाइक नहीं चलाएंगे लेने के बाद, ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइव करने के समय हो सकता है ये मेडिसिन लेने के बाद नींद आए, क्योंकि नींद आती है। इसलिए आप लोग जब भी इस मेडिसिन को यूज करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों होता क्या है, आपको शरीर में दाना हो सकता है, इचिंग हो सकता है, चकत्ता हो सकता है, लाल हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, मितली आ सकता है, ठीक है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकता है। अगर इस तरह की समस्या होती है तो आप इस मेडिसिन को बंद कर देंगे और अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर तुरंत मिल लेंगे। इसके वजह आपको कोई और दूसरा साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो उस दौरान में भी आप इसे तुरंत बंद कर देंगे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके। और दोस्तों किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो कुछ पूछना होगा उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देखिएगा मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट कराना होगा उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।